तो है गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम सब रेडी हो चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं मनाली से, क्योंकि यहाँ पे काफी टाइम रुक लिया हमने, 3-4 दिन हो गए हमें यहाँ पे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जीजा जी। वापसी का दिन है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, हमें बहुत ही मजा आया सोनिया और दीपक के साथ। हमने जिप डाइंग बहुत ही गहरी गहरी खाई, हमें छलांगे लगाई, ब्रह्म में घूमे, बहुत ही मजा आया। अच्छा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अंदर चलते हैं, अभी लड्डूडा भी उठ चुका है शायद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लड्डू, गुड मॉर्निंग। ओए बेबू, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा, ओए तेरी, ओए ओए। अभी हमने हमारा सामान वगैरह सब पैकिंग कर लिया है और इधर कर रहे हैं इनके बैग सेट, क्योंकि इनके इसमें थोड़े बड़े बैग हैं, तो ये आ रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं सारे। और हमारा तो हो गया है पैकिंग, तो अभी चलते हैं। गुरुदेव मेल दो ना, तो महाराज वही तो मैं कह रहा हूं। निकल रहे हैं अभी हम, चिकन चालू होगी लड्डू बाबू, इसको है ना कैमरे से बहुत एलर्जी है। लड्डू गुड मॉर्निंग, राधे राधे, आधे आधे, राधे राधे कर, आधे आधे कर, राधे राधे, हाँ जोड़ दे बेटा, हाँ जोड़ दे, राधे राधे करो बेटा, हाँ जोड़ बेटा, डोक दे, राधे राधे करने जान। लड्डू लड्डू नींद उड़ी बना ली, राधे राधे जोड़ दी ना, क्या बच्चे, आज जोड़ बेटा, एक बार और, आज एक बार और जोड़, आज जोड़, आज जोड़, एक बार और, आज जोड़, आज जोड़। तो गाइस, हमने यहाँ से चाय वाय पी ली है और हम जितने दिन यहाँ पे रहे थे, अंकल जी बहुत ही अच्छे हैं। और इन्होंने जो हमें खाना दिया है वो घर वाला फील दिया है, पूरा ढंग से प्रॉपर तरीके से। तो अब इनसे करते हैं अलविदा, मिलेंगे बहुत जल्द आपसे। और यहाँ पे कुकिंग का काम किया है तन्मेश को, अच्छे पढ़ाइए आप, अच्छा पढ़ाई लिखाई करवाइए उसे। चले अंकल जी, बाय बाय कर दो एक बार। तो गाइस बाय बाय मनाली, तो निकल रहे हैं अभी हम यहाँ से, बाय बाय तो बाय बाय मनाली। और आज देखो यहाँ पे मौसम खराब हो रहा है, इस वजह से वो जो बर्फ वाले पहाड़ है वो दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि वो वहाँ पे जहाँ पे कोहरा हो रहा है वहाँ पे छिपे हुए हैं, देख सकते हो आप सभी, देखो। तो निकलते हैं हम यहाँ से, और जनवरी में हमारा शूट है तो हम वापस आएंगे। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि हमें यहाँ पे स्नोफॉल देखने को नहीं मिली, तो अब जनवरी में आएंगे तो हमें को देखने को मिलेगी। कोई हमारा एक सॉन्ग आ रहा है तो उसकी शूटिंग यहीं पे होगी मनाली में। तो गाइस मिलते हैं अब। तो गाइस अभी हम रुके हैं यहाँ पे वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि ये नदी के पास एक रील्स वगैरह बनानी थी हमें, उधर जगह नहीं थी वीडियो करने की, तो अभी यहाँ पे बनाएंगे। तो चलते हैं आगे, बहुत ही और देख सकते हो लड्डूड़ा क्या कर रहा है वहाँ पे, देखो खेलने लग गए कानूर दोनों, क्योंकि 2-3-4-5 दिन हो गए ना खेले हुए इनको। देखो यहाँ पे खेल रहे मिट्टी से, देखो और गाइस बहुत ही प्यारी लोकेशन है, देखो बहुत ही, मतलब जाने की इच्छा नहीं हो रही यहाँ से। तो अभी निकल रहे हैं हम यहाँ से, देख सकते हो यहाँ का व्यू बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत प्यारा है। और ये रही हमारी धन्नो, और ये जिया जी, हाय, और ये कानू, हेलो बोलो कानू, और धनराज। और इधर का व्यू, अभी हम जा रहे हैं तो मतलब थोड़ा ऊपर आ गए हम मनाली से, करीबन 50 किलोमीटर आगे आ गए। और ये लड्डू, अभी स्वेटर वेटर सब खुल गए हमारे, चप्पल थैली के अंदर डाल के रख दिए मैंने, फेर यार उन्हें यार, तो देख सकते हो ये यहाँ पे खेल रही है नीचे, और यहाँ पे खा रहे हम पराठा। अरे प्रभु तू भी रोटी खाओ, लोग ना खाओ, ये तो फोन में तो सीरियस है, देख सकते हो। लड्डू मान जा बेटा, तो गाइस फाइनली हम यहाँ से निकलने वाले हैं बहुत जल्द, और इतने दूर है अभी तक यहाँ से चंडीगढ़ 200 किलोमीटर दूर है, 250 किलोमीटर, लेकिन ये घुमाव वगैरह तो खत्म हो जाएंगे ना, मतलब इतना भयानक वाला डर लग रहा था ना, जिसकी कोई हद नहीं है। अभी कहाँ खत्म हो जाएंगे, अभी तो बहुत सारे हैं दादा, अभी तो खतरनाक वाले तो पीछे हैं।
नहीं इधर तो रोड भी सही है, उधर तो रोड ही नहीं है, खड्डे खड्डे है। ये तो ठीक थे, मतलब इतने भयानक रोड है ना जिनकी कोई हद नहीं है, और उसपे भी लोग ऐसी गाड़ी चलाते हैं ना कि पूछो मत, बस वाले डर ही नहीं लगता इनको, जान हाथ में आई रहती है। तो गाइस देख सकते हो होटल में बुलाने का मतलब क्या लगा रखा, क्या जुगाड़ कर रखा है दोनों तरफ मुंह कर रखा है कि आ जाओ इधर आ जाओ उधर आ जाओ। अरे भैया अरे भैया पिज्जा ही आत लगा ज्यादा जे 20-20 रुपया, रोटी पे भी 10 रुपया बत्ता जे तन बलार तो मुंह लाई जू, और क्या ट्रिप चिर दे होगी टिप 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 ट्रिप के ट्रिप तो अपनी ट्रिप है, ट्रिप पर तो अपन है भी टिप टिप। तो बने रहो व्लॉग के साथ, हमारी माता पड़ी ऐसी चलती रहेगी। यहाँ पे हमारी गाड़ी रुकवा ली है, कुछ फ्रेंड्स वगैरह आए हुए थे जो देख सकते हो आप। सोनिया कुछ कहना चाहोगे? मतलब देखा आपके फैन है? नहीं ये हमें आगे वो मिले थे ना वहाँ पे फॉलो करके गए थे वही। अच्छा तो वहाँ पे तो क्या रोकने की जगह नहीं थी, रोड सकड़ा था सकड़ा था सकड़ा नहीं छोटा था, जगह नहीं थी रोड पे, जगह नहीं थी, रोड थोड़ा छोटा था और सिंगल रोड था वहाँ पे, यहाँ पे फोर लाइन है इसलिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत गहराई थी। तो भाई यहाँ पे फ्रेंड्स मिल गए हैं कुछ जाने वाले, तो फोटो वोटो क्लिक हो रही है अपने राजस्थान से, ये डिस्ट्रिक्ट से अपने पास का ही डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा अच्छा रवाना होते हैं वापस यहाँ से पंजाब पहले। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं चंडीगढ़, और चंडीगढ़ यहाँ से 160 करीबन 160 किलोमीटर दूर है, और हम जब से पहाड़ियों में चले जा रहे हैं और हम जो आते टाइम हम लोग जिस लोकेशन पर रुक के गए थे ना, वो लोकेशन हम लोग देख रहे हैं कि वो लोकेशन कब आएगा। तो हम पिछले 1.5 घंटे से एक लोकेशन का वेट कर रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है लोकेशन आगे चली गई, वो पचेगी आगे चली गई, अपनी जगह छोड़ के आगे निकल गई, वो यार आई नहीं रही तब से ही। अच्छा नहीं था दिमाग खराब, तुम्हें आगे 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 है आने वाली है बस, अब मेरे को जहां तक पता है, क्योंकि अभी करीबन 40-50 किलोमीटर और चलना अपने को पहाड़ियों। आंटी जी हमके दीदी आप इनके बहू रानी बेटी रानी। अच्छा, यही बेटी है बहू है यही बहू भी बेटी भी। अच्छा इनकी होगी लड़की? हाँ इनकी है लड़की हुई है। अच्छा, मेरी बेटी बिल्कुल है सेम कॉपी। लड्डू को ले लिया इन्होंने, चिप्स वगैरह दे दिया। बोलो नहीं जाएंगे जाएंगे हम यही रहेंगे हिमाचल में, दो दीदियाँ हो गई हम भैया। होटल और अभी कुछ खाने का सोच रहे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर है। 50 ही है ना भैया, चंडीगढ़ कितना यहाँ? 65। तो हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ हम इतने जानते भी नहीं एरिया को, तो अभी हम यही आउटसाइड ही रोड पे ही ढाबे पे खाना खा के जा रहे हैं। तो सोनिया कैसा फील कर रहे हो मनाली से सीधा चंडीगढ़ में? अब जाके सांस में सांस आई है। अच्छा और ज्योतिबा भी आप, और लड्डू आप कैसा फील कर रहे हो बेटा? ड्राइव यही कर रही थी हमारे पूरे रास्ते, जहां रुकते हैं ना हमें होटल मिल जाता है। स्टीयरिंग हेड चला दीजिए भाई, अब अपने अपने हिसाब से ऑर्डर दे दो, किसको क्या करना है। खाना खाने की इच्छा नहीं है पक्का? हाँ तो फिर चाय पी लें जो तुम सही लगा। तो ठीक है चलो चाय पी लेते हैं। भैया चाय बना दो यार अच्छी सी। अभी हम लोग होटल पे पहुंच चुके हैं, और मतलब अभी हम लोग चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, और चंडीगढ़ जो एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा, एक सॉन्ग का शूटिंग है, तो वो कल स्टार्ट होगा।
तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने मनाली के अंदर काफ़ी एंजॉय किया, बहुत मस्ती की। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि एक मनाली ट्रिप में कितना खर्चा हो जाता है, कितने पैसों की ज़रूरत होती है और कितने लोग कम से कम जाने चाहिए ताकि वो एंजॉय कर सके। तो मैं उन सारी चीज़ों को अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि मनाली ट्रिप के अंदर मतलब सबसे बड़ा तो ये है कि अगर आप मतलब एज अ फैमिली के हिसाब से अगर वहाँ जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप दो जने वहाँ एंजॉय नहीं कर सकते हो, क्योंकि सब चीज़ें थोड़ा मतलब इतना दूर, अगर जो लोकल है वो तो मतलब आसपास के हैं वो तो जा सकते हैं, लेकिन करीबन 1000 किलोमीटर दूर से आप लोग जा रहे हो, तो फैमिली के साथ जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। और रही खर्चे की बात, तो खर्चा अपने ऊपर डिपेंड करता है वहाँ पर कि हम लोग वहाँ किस सिचुएशन में रह रहे हैं और कौन सी होटल हम लोगों ने बुक कर रखी है, कोई VIP होटल है, वो सब अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग जब पहले दिन गए थे तो हमें इतना पता नहीं था वहाँ के बारे में कि वहाँ क्या खर्चा होगा क्या नहीं होगा, तो हम लोग मतलब थोड़ा घबरा भी रहे थे कि यार बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से हम लोग 2 गाड़ियाँ लेके गए और हर मतलब एक गाड़ी में सोनू जाजी, सपना दीदी, मोनू भैया और अंजना जी, वो 4 जने एक गाड़ी में हैं, और मैं, रोशन भाई और ज्योति भाभी, सोनिया और दंदाजा में एक गाड़ी में थे। तो हम लोगों को जैसे हमारी गाड़ी का जो डीजल वीजल का जो है हम आपस में कंट्रीब्यूट करेंगे और उनकी गाड़ी का वो आपस में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मेरे को जहाँ तक पता है कि मतलब अभी थार ने एवरेज अच्छा दिया है, बहुत अच्छा एवरेज दिया है। आप सभी को पता है कि करीबन 200-250 किलोमीटर कैसी पहाड़ियाँ हैं, कैसी चढ़ाई है, और वही क्लच रेस, क्लच ब्रेक रेस, क्लच ब्रेक रेस, फिर भी थार ने 13-14 का एवरेज दिया है वहाँ पर भी। तो हमारा जो डीजल का खर्चा है वो करीबन 12-13 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगा, तो हमारी गाड़ी का ये, और स्विफ्ट तो अच्छा एवरेज दे ही रही है। और रही बात खाने की, हम पहले दिन गए तो उस दिन तो हम लोगों को इतना पता नहीं था, मेरा फास्ट था तो मेरे को ना भूख लग रही थी, मेरे को खाना खाना था किसी भी कंडीशन में। तो हम पास में जहाँ रुके हुए थे उसी के पास में चले गए, एक होटल था। तो वहाँ जाने के बाद हम लोगों को पता चला कि मैंने मेरी लाइफ में पहली बार देखा है कि एक दाल की छोटी कटोरी, मतलब छोटी से थोड़ी बड़ी, वो 250 रुपये की थी एक कटोरी। फिर भी अब हम लोगों ने क्या मेन्यू नहीं देखा था पहले, और हम लोग खा गए, हम 4 जनों का बिल बना दिया उन्होंने 2500 का। तो बस यही है कि खाने का जो वो होता है वो वहाँ का सबसे महंगा है, इसलिए फिर जो आप लोगों ने ब्लॉग्स में देखा होगा कि जिन अंकल के हम लोग वहाँ खा रहे थे उन्होंने बहुत ही अच्छी रेट में 50-60 रुपये कटोरी दाल की, वो भी इतनी बेहतरीन, और घर की जैसी रोटी वो सब उन्होंने खिलाया हमें, बहुत ही अच्छा लगा। तो ये था कि हम लोगों का जो 4 जनों का ट्रिप पर पर्सन, अब आप नॉर्मली देख सकते हो इतनी दूर जाओगे तो 8-10 हज़ार तो खर्च होंगे ही होंगे, क्योंकि इतनी दूर गए तो कुछ वहाँ पर कुछ एडवेंचर भी ज़रूरी है, कुछ शॉपिंग भी ज़रूरी है घर वालों के लिए, अपने लिए, सबके लिए। तो ये बात है, मेरा मुंह दुखने लग गया अब। और हम चंडीगढ़ पहुँच गए, आप सबकी दुआ से, आप सभी के प्यार की वजह से हम लोग सकुशल वापस चंडीगढ़ पहुँच गए हैं। और मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी जगह पर गाड़ी को ट्रेवल किया है कि मेरे को अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतनी अच्छी गाड़ी चला लेता हूँ। बड़ाई नहीं कर रहा, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला है मेरे को यहाँ जाने के बाद में। जब मैं खुशी दीदी से मिलने चंडीगढ़ आया था तब मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा था, उसके बाद में ये मेरी पहली सबसे मतलब दूसरी सबसे लंबी गाड़ी मैंने ड्राइव की है, तो मेरे को खुद पे गर्व है। और साथ में अगर फैमिली हो जाती है तो थोड़ी टेंशन भी होती है दिमाग में, तो बहुत सारी चीज़ें थी। और फर्स्ट दिन मैंने कंटिन्यू 20 घंटे गाड़ी चलाई थी, मैंने आँख भी नहीं बंद की थी, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था ये सब। लेकिन फाइनली हम लोग वापस चंडीगढ़ पहुंच गए और वापस सीधी सड़कें देखने को मिलेगी, वरना वहाँ तो घूम घूम के जलेबी बन गए थे हम सब के सब, और हम हमारे सिटी की सड़कें देखने के लिए तरस गए थे। तो हम लोगों ने मतलब बहुत एडवेंचर किया वहाँ, सब बहुत कुछ देखा, बस हम लोग एक चीज़ नहीं देख पाए जिसके लिए मनाली फेमस था, स्नोफॉल। तो बस आप सभी का साथ रहा, आप सभी का प्यार रहा, तो एक बार ज़रूर आएंगे और कुछ अच्छा प्रोजेक्ट लेके आएंगे उस जगह शूट करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने वो चीज़ें देखी है और सच्ची बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो हम पक्का कोशिश करेंगे उस चीज़ पे कि हम कभी ना कभी वहाँ पर एक अपना खुद का सॉन्ग शूट करेंगे उस लोकेशन पे, वो भी स्नोफॉल के अंदर। तो बस यही है।